हम इस समय श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय के पास पहुंचे, परिसर के पास पहुंचे हैं। भवन तो अति सुंदर बना हुआ है, लेकिन अति सुंदर तो तब है जहां अंदर मरीजों की सेवा हो रही हो, समय पर दवाइयां मिल रही हो और मरीज ठीक होकर जल्दी से जल्दी अपने घरों को जाए। अभी ये लोग कुछ लोग पर्ची की लाइन पे लगे हैं, जरा इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं लोग किस किन के दुख से पीड़ित हैं और इसका उपचार किस ढंग से करो यहाँ पर होता है। चलो उन्हीं से मुलाकात करते हैं। आप भी पर्ची बनवाना लाइन मान लेंगे आज ना? हाँ। क्या तकलीफ जाते हैं? तकलीफ खुजली खाजली। खुजली तो आपसे पता चाहिए, खुजली को डॉक्टर एक मौजूद छे जी की नीचे पता करी तो लेडीज बिल्कुल आने तक डॉक्टर। हाँ अगर छे जी तो आप समय बर्बाद कर तो ठीक है, अगर नीचे तो समय बर्बाद कर पता करी ना आने तक डॉक्टर। चलो ठीक है। ठीक है। आप पर्ची की लाइन में लगे हो? हाँ जी। कब से लगे हो? बस अभी आए। अभी आए, क्या तकलीफ है आपको? मुझे नहीं, बच्चों को लाए हूँ। बच्चों को है? हाँ जी। बच्चों के डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो फिर ठीक है, लाइन पे लगना तब तो ठीक है। अगर डॉक्टर बीमारी का अगर उपचार के लिए डॉक्टर मौजूद है तब तो आपका समय व्यतीत करना अच्छा है, अगर डॉक्टर नहीं है तो समय व्यतीत करना बेकार है। ठीक है, चलो आगे लोगों को पूछते हैं। आप लोग सब पर्ची की लाइन में लगे हैं जिन? आप तो क्या तकलीफ थे? तकलीफ थे चेस्ट पर दर्द हुआ। आपने पता चाहिए हार्ट वो एक खेची डॉक्टर खेच? पता नहीं है, अभी पहली बार हूँ हम तो। पहले डॉक्टर से पता करा कि हार्ट वो एक खेची नहीं थी, तब लाइन में लगा समय बर्बाद कर पता निकल क्यों करना है ना। हाँ जी। चलो ठीक है। तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ जो है घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द। दर्द है? आपको पता है कि घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, इसका डॉक्टर यहाँ पर है? दिखाना तो है, पड़ेगा ये। चलो चलो पर्ची के लिए आप लोग सब लाइन पे लगे हो? पर्ची की लाइन पे लगे? पर्ची की लाइन पे। ठीक है, समय पे हो जाती है, पर्ची बन जाती है। अभी देखो तो अभी लाइन तो बहुत लंबी है। बैठे हैं वो पर्ची काटने वाले? बैठे हैं? बैठे थे? चलो देखते हैं बैठे कि नहीं बैठे। चलो आगे। आप स्टाफ हैं यहाँ? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? हम आशा वर्कर में, हम हेल्प डेस्क का काम करते हैं। जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको पता नहीं रहता कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो हम वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं सारे? हाँ जी। आपको क्या तकलीफ है? मेरा ना पैर चल गया था दिवाली पे, तो घर में मैंने हमें ट्रीटमेंट करवाई तो आराम नहीं मुझे मिला। फिर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मेरी फिर दवाई चली तो मैं ठीक हूँ। मैंने एक ही बार में इलाज करवाया तो उससे मेरा पाँव ठीक है। फर्क मिल रहा है? आपको फर्क मिल रहा है ना? डॉक्टर सही है? डॉक्टर सही है, दवाई सही है, दवाई भी सही है, डॉक्टर भी सही है। शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अंजलि है। कहाँ से आए हैं आप? ये SSB से आई हूँ। अकादमी? हाँ जी। संतुष्टि है ना आपको? हाँ तभी तो आए हैं। संतुष्टि मिलनी चाहिए। ओके। हम इस समय हॉस्पिटल परिसर के अंदर घूम रहे हैं और यहाँ का जायजा ले रहे हैं कि ये यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं कि नहीं, पेशेंट कितने परेशान हैं, उनसे जांच पूछ समय पे हो रही है कि नहीं हो रही है, उनका इलाज किस ढंग से ये लोग कर रहे हैं। बाहर से तो बिल्डिंग देखने में अति सुंदर है, लेकिन सुंदरता वही है जो अंदर मरीजों के साथ में अच्छा व्यवहार हो, समय पे उपचार हो और लोग अपने घरों को जाएं। चलो बाकी जानकारी यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं डॉक्टर पुजारी जी, उन्हीं से मुलाकात करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हम यूं गए और यूं आए। तो इस समय हम संयुक्त राष्ट्रीय चिकित्सालय के अंदर पहुँचे हैं और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं श्री डॉक्टर पुजारी जी, उनसे हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा जानकारी ले करके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। चले आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पहले मुझे ये बताइए, आप ये जो भवन बना है, इस भवन को बनाने में किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है, किसी एनजीओ का हाथ है, किस का सहयोग से ये बिल्डिंग बनी है? ये मेन रूप से ये जो बिल्डिंग बनी है ये बनी है रेल विकास निगम द्वारा। जब उन्होंने उनकी रेलवे लाइन हमारे हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड से होकर जाती, तो उसके बदले हमने उनको कुछ जमीन दी है और काफी हमारे क्वार्टर्स को उन्होंने तोड़ा था, तो उसके बदले में उन्होंने हमको ये अस्पताल नया बना के दिया है। जी, रेलवे का रेलवे वालों की भागीदारी है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बना है जी,
साथ ही साथ दुख के साथ भी मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ का पेशेंट जो है ऋषिकेश और देहरादून की ओर पलायन होता है और वहाँ जाकर के वो मनमानी उनसे पैसे लेते हैं, उपचार करते हैं। अगर वो तकनीकी सुविधा जो देहरादून में और ऋषिकेश में है, वो तकनीकी सुविधा अगर पौड़ी से नगर रुद्रप्रयाग इस एरिया में, पहाड़ी एरिया में अगर मौजूद हो जाए तो गांव के मरीजों को बड़ी सहूलत मिलेगी और कम पैसे में उनका इलाज हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक मेरे अस्पताल का सवाल है, हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी ने इस अस्पताल के लिए मतलब पूरा इसको वेल इक्विप्ड किया है। अब एक ही चीज की जरा सा कमी है, जरा हमारे डॉक्टर्स हमारे और चिकित्सक पूरे आ गए हैं, लेकिन जरा पैरा मेडिकल स्टाफ जरा उसकी कमी रह गई है। अदरवाइज इस अस्पताल जो 52 बेड का रेलवे ने हमको दिया है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों के पास अल्ट्रासाउंड आ गया है, सीटी स्कैन का प्रस्तावित है, सीआरएम हमारे पास है, हमारे पास वेल इक्विप्ड ओटी है, हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब है और सारे डॉक्टर्स हमारे पास सारी सुविधाएं लगभग आ गई है। तो अगर स्टाफ आ जाता है, स्पेशली हमारे स्टाफ नर्सेस और कुछ वार्ड बॉय आ जाते हैं, तो मैंने समझता कि हमारे अस्पताल से किसी मरीज को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। अब क्रिटिकल केस है तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज हमारा नजदीक है, हम वहीं भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भीड़ देख सकते हैं, आज नहीं है, आज मंडे भी है तो आप जरूर देख लीजिएगा, भीड़ पूरी रहती है। ओपीडी हमारी अच्छी चल रही है। और जहाँ तक पहाड़ से बात है तो उसके बारे में आप ज्यादा, मैं ज्यादा कह नहीं सकता, पर दुर्भाग्य तो है ही हमारा भी कि हम लोग पहाड़ की तरफ नहीं आना चाहते। कोई कहे चिकित्सक जो अच्छे चिकित्सक है वो सब नीचे ही जाना चाहते हैं, पहाड़ की तरफ जरा सा कम आना जाना चाहते हैं। मैं आपसे एक आपके माध्यम से एक आवाज ये उठाना चाहता हूँ कि जो तकनीकी सुविधाएं 2-3 आपने गिनाई है, इसके अलावा एंजियोग्राफी है, ईगो है और अल्ट्रासाउंड है, कई चीजें ऐसी तकनीकी सुविधाएं जो नीचे हैं यहाँ नहीं है, अगर वो भी यहाँ आ जाए तो पहाड़ वाले के लिए बहुत सहूलत होगी और कम पैसे में उसका इलाज हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने अभी और मुख्यमंत्री जी ने अभी बेस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विंग का उद्घाटन किया था, तो संभावना है कि आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी विंग वहाँ खुल जाएगा मेडिकल कॉलेज में। तो मैं नहीं समझता कि पहाड़ के लोगों को नीचे जाने की। चलो मैं आपको ये बात काटता हूँ जी, आपने जो अभी बेस हॉस्पिटल में जो मशीन लगी है सिटी स्क्रीन मशीन लगी है ना वहाँ पर, जो कि 2 करोड़ की लागत की लगी हुई है और धन सिंह जी ने इसका उद्घाटन भी किया है, उसकी रिपोर्टिंग भी मैंने खुद की है, लेकिन वहाँ पर ऑपरेटर नहीं है। दुख की बात यह है, अगर ऑपरेटर हो तो उस मशीन का सदुपयोग हो सकता है। अब इतना तो ज्यादा मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट आ गए हैं और वहाँ की रिपोर्टिंग भी आ रही है, ऐसा नहीं है। कुछ उनका रिपोर्टिंग का टाई अप शायद में दिल्ली में किसी उस हॉस्पिटल से है, तो वहाँ से रिपोर्टिंग 4-6 घंटे बाद आ जाती है जो उनकी रिपोर्टिंग है। अदरवाइज वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट आ गए हैं और वो अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन अगर इमरजेंसी वाला है तो वैसी रिपोर्टिंग वो भी कर ले रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अगर आप अपने स्वास्थ्य विभाग से कुछ और तकनीकी सुविधाओं का डिमांड रखना चाहते हैं, अपनी आवाज जनता की भलाई के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या क्या उठा सकते हैं? स्वास्थ्य विभाग से वही है कि पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा हो, डॉक्टर जो भी आए जरा अच्छे आए, काम करने वाले आए। हम तो कहते हैं कि जब ये अस्पताल था तो नीचे आपने देख रखा है 4-5 डॉक्टर थे, लगे रहते थे काम में, और तब कोई सुविधा भी नहीं थी, हमारे पास लैब नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि सारे मरीज हम नीचे ही जाते थे, ऐसा वो नहीं था। अब काम करने की इच्छा होनी चाहिए तो जहाँ चाह वहाँ रहा मेरे साथ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कहना आपसे, जितनी बिल्डिंग सुंदर है, सुंदरता तो तभी है जब अंदर मरीजों की सेवा होए और कम कम पैसे में वो अपना इलाज कराएं और अपने घर को जल्दी से जल्दी वापस जाएं,
सुंदरता तो हुई है, बिल्डिंग सुंदरता से नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि औरत रंग से सुंदर नहीं होती है, गुणों से सुंदर होती है कि नहीं? आजकल जरा जाड़ा है तो जाड़े में जरा सब मरीजों का इनपुट मतलब इंडोर हमारा कम हो जाता है, लेकिन आप ओपीडी देखेंगे अभी ओपीडी हमारी पूरी भरी हुई है। ओपीडी आप नीचे जाइएगा तो सारी ओपीडी हमारी पूरी तरह से अच्छी चल रही है। ओपीडी हमारी कार्य सही चल रहा है जी, बनने से नहीं मतलब कार्य भी सही चल रहा है, नहीं कार्य भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं जी। चलो तो अच्छा, लास्ट में आपसे एक सुझाव समझो, शिकायत समझो, यहाँ पर पर्ची कितने की कटती है? 28 रुपए की, और बेस हॉस्पिटल में 5 रुपए की, ऐसा क्यों? वो बेस अस्पताल वो चिकित्सा शिक्षा का है और हमारा अस्पताल चिकित्सा स्वास्थ्य का है। हमारे अस्पताल में जो हर साल 10% की वृद्धि होती है, टेस्ट भी हमारे वहाँ ज्यादा मिलेंगे, आपको टेस्ट का रेट भी जरा सा उसका ज्यादा है, क्योंकि आप बुरा मत माने हम तो जनता की आवाज है और जनता जो कहती है उसको हमारा फर्ज है आगे रखना। वो हमारे शासनादेश होता है ना, तो वो यहाँ पे भी चाहे आप किसी भी अस्पताल में चले जाए, मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, मेडिकल कॉलेज में पुराना रेट अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारा रेट जरा सा हर साल 10%, अभी आप जनवरी में 10% का फिर उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि उत्तराखंड के अंदर अभी कोरोना की बीमारी जो है मूल रूप से खत्म नहीं हुई है। मैंने अभी नीचे देखा, कैमरा मैंने मारा घुमाया, जनता भी आपका स्टाफ भी बिना मास्क लगाए घूम रहा है। इसके बारे में आपको, आप व्यवस्थापक हैं, आपको ये मुहिम उठानी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा वही है कि अभी तक कोरोना भले हमारे वहाँ कम हो गया है, लेकिन सुरक्षा हमें खुद ही करनी चाहिए। अभी भी हमें दूरी मेंटेन करनी चाहिए, मास्क लगा के पेशेंट को देखना चाहिए, और ये कि जरा जगह कम हो गई है, पेशेंट भी जरा सा भीड़ ज्यादा है तो जरा सा हौच पौच हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि हमारे पास जाड़ों के दिन आ गए तो स्पेस बहुत है आगे। इसमें मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देता हूँ, आपके जो गार्ड नीचे खड़े हैं ना, उनको कह दो ये जो बिना मास्क के आए उसको बैक कर दो और कहो कि भाई आपको मास्क लगा के आओ, बिना मास्क के हमारा करता है नहीं, कभी कई बार अंदर चला जाता है फिर भीड़ आ जाती है, दो गार्ड है बेचारे, अब वो क्या कहते देखे। पर ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ गार्ड भी बहुत केयर करते हैं, वो हर चीज को पूरा ध्यान से देखते हैं और पूरा पूरा उनको बार बार बीच बीच में सुझाव देते रहते हैं कि आप दूर मेंटेन करिए, आप लोग मास्क पहन के आइए, इस तरह का सुझाव उनको देते रहते हैं। क्योंकि जो अगर ऊपर से कोई भी आ गया उसने कर्मचारी को नहीं पूछना है, केवल आपको पूछना है, आप हैं जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, आपको पूछना है जी। तो ये थे संयुक्त हॉस्पिटल के व्यवस्थापक डॉक्टर पुजारी जी, उनसे हमने काफ़ी बातें की, काफ़ी जानकारी ली और उनके विचारों से भी लगता है कि वो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनकी भावनाएं अच्छी हैं, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छे हैं। अगर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग हमारे समय एच टीवी को देख रहा हो तो हमारी क्षेत्रीय जनता का और हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का, डॉक्टरों का आपसे अनुरोध है कि जो सुविधाएं मरीज को नीचे ऋषिकेश, जौलीग्रांट, देहरादून में मिलती हैं, उन्हें यहाँ पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग या पहाड़ी इलाके में उपलब्ध कराने का कोशिश करें। अगर इस समय उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब इस समय इस मौके पे अगर ये नहीं हो पाया फिर कभी नहीं हो पाएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूँ परमानंद कुकरेती और मेरे साथ सहयोगी हैं विजेंद्र रावत। जय हिंद।